हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेवेंथ की जियोग्राफी और हम डिस्कस करेंगे इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण। अब सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट के नाम की। इस सब्जेक्ट का जो नाम है जियोग्राफी, ये दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, और दूसरा वर्ड है ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टडी करना। तो जियोग्राफी का मतलब होता है हमारी अर्थ को स्टडी करना। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि ये एनवायरनमेंट क्या होता है या पर्यावरण क्या होता है। द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कोई भी जिंदा चीज़ जो है, उसके आसपास की जो जगह है या उसके आसपास के जो लोग हैं या उसके आसपास जो तमाम चीज़ें हैं और उसके आसपास का जो नेचर है, ये तमाम चीज़ें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिंदा चीज़ के आसपास की ये तमाम चीज़ें उसका एनवायरनमेंट होती हैं। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीद, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वी लिव। और ये जो एनवायरनमेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास की तमाम चीज़ें, इस एनवायरनमेंट से उसको हवा मिलती है जिस हवा से वो सांस ले पाता है, पानी मिलता है जिस पानी को वो पी पाता है, खाना मिलता है उसे खाने के लिए, और ये ज़मीन मिलती है, ये जगह मिलती है जहाँ वो जी पाता है या रह पाता है। तो ये तमाम चीज़ें उसे मिलती हैं एनवायरनमेंट से। अब जैसे कि मान लीजिए कोई घोड़ा है और वो रेगिस्तान में है और वहाँ उसे खाने पीने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल रही, तो बड़ा कमज़ोर सा हो गया, तो उसके बारे में कहा जाएगा कि इसका एनवायरनमेंट शायद सही नहीं है। और उस घोड़े को मान लीजिए जंगलों में छोड़ दिया जाए और वो खा पी के बड़ा हेल्दी हो जाए, तो उसके बारे में कहा जाएगा अब इसका एनवायरनमेंट अच्छा है। तो यहाँ इस तरीके से यूज़ किया जाता है एनवायरनमेंट का। तो एनवायरनमेंट होता क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, कि इसमें नेचर की भी चीज़ें आती हैं और ह्यूमन मेड चीज़ें भी आती हैं। अब जैसे हम यहाँ पे हैं तो हमारे आसपास जो भी जगह है, जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो नेचर है, ये तमाम चीज़ें हमारा एनवायरनमेंट है। तो इसमें नेचुरल चीज़ें भी हैं, हम जिस ज़मीन में रह रहे हैं ये नेचुरल है, जो सांस ले रहे हैं ये नेचुरल है, हम जो पानी हम पी रहे हैं ये पानी कहीं नेचर से ही आ रहा है किसी ना किसी फॉर्म में, ये सब नेचर है। इसके अलावा हम रह रहे हैं तो हम घरों में रह रहे हैं, हमारे घरों के आसपास रोड्स हैं, तमाम सब चीज़ें हैं, बाकी घर हैं, तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, ये तमाम सब जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन मेड चीज़ें हैं। तो एनवायरनमेंट में नेचुरल चीज़ें भी आती हैं और ह्यूमन मेड चीज़ें भी आती हैं। अब चलिए बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, यानी कि एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से बना है। अब सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल कॉम्पोनेंट्स की, मतलब वो चीज़ें जो नेचर से मिली हैं और जो एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले जो नेचुरल जो कॉम्पोनेंट है एनवायरनमेंट का, वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आप याद करिए एटमॉस से, एटमॉस यानी कि हवा। तो एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक दूसरी एक लेयर है हवा की, चारों तरफ हमारे अर्थ के, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। हम अभी भी जो सांस ले पा रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि सरफेस के, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक लेयर है जो हवा है जिसमें, तो हम इसी हवा से सांस लेते हैं। तो ये नेचुरल कॉम्पोनेंट है, सबसे पहला नेचुरल कॉम्पोनेंट एटमॉस्फेयर, जिससे हमें हवा मिलती है। अब अगला जो कॉम्पोनेंट है एनवायरनमेंट का, वो है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो यानी कि पानी, तो हाइड्रोस्फेयर से हमें मिलता है पानी। अब जो तीसरा कॉम्पोनेंट है वो है लिथोस्फेयर। आप ये वर्ड देखें अगर, तो लिथोस्फेयर में लिथोस का मतलब होता है पत्थर। अगर आप याद करें तो क्लास सिक्स की हिस्ट्री में हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक एज, तो पैलियो मतलब पुराना एंड लिथिक मतलब कि पत्थर। तो पैलियोलिथिक यानी कि
पुराना पत्थर, जब पुराने स्टाइल से पत्थर यूज़ करते थे हंटर गैदरर्स जो अर्ली मैन थे, वहाँ हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं लिथिक को। और इसके अलावा नियोलिथिक यानी कि नया पत्थर, मीज़ोलिथिक यानी कि मिडिल पत्थर, और इसके अलावा हज़ारों साल पहले ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे पूरे दुनिया के कोने कोने में, जिनको मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, जो बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करके बनाए गए थे। तो मेगा यानी कि बड़ा, लिथिक यानी कि पत्थर। तो ये जो वर्ड है लिथिक, ये इस तरीके से अलग अलग जगह यूज़ हुआ है। तो अगर आपको लिथोस याद रहेगा तो तमाम तरह के वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। तो लिथोस्फेयर यानी कि पत्थर जहाँ पे पाए जाते हैं, पत्थर कहाँ पाए जाते हैं, ज़मीन में। तो लिथोस्फेयर यानी कि ज़मीन, हम जिस ज़मीन में रहते हैं, जीते हैं। और इसके अलावा जो चौथा कंपोनेंट है वो है बायोस्फेयर, हम जहाँ भी रहते हैं। बायोस्फेयर, बायो मतलब लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम जहाँ भी रहते हैं हमारे चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, चाहे इंसान हों, वो सब लिविंग हैं। तो बायोस्फीयर मतलब लिविंग थिंग्स। ये चौथा हिस्सा है एनवायरनमेंट का, जो कि नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। तो अब ये तो बात हुई नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं जो नेचर से हमें मिली हैं, ज़मीन, हवा, पानी और नेचुरल थिंग्स। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड थिंग्स की। तो हमारे आसपास अब ज़रा खुद देखिए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नेचर से हमें नहीं मिली हैं, हमने नेचर का यूज़ करके खुद से बनाई हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई, पार्क हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सब तमाम जो चीज़ें हैं ये इंसानों ने बनाई हैं, ये हमारे आसपास हैं और ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। अब जो तीसरा कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है वो है हम इंसान जो हैं, हम खुद। क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है, तो इंसान अकेले नहीं रहते, वो तमाम सब लोगों के साथ रहते हैं। और जो तमाम सब लोगों के साथ रहते हैं तो तमाम तरीके के एनवायरनमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं इंसानों से ही। जैसे कि इंडिविजुअल्स हो गए, इंडिविजुअल यानी कि एक एक अकेले जो लोग होते हैं। इसके अलावा आप अपने आसपास अब इंसानों से बने जो सिस्टम्स देखते होंगे, जैसे कि फैमिली हो गई, कम्युनिटीज़ हो गई, रिलीजन हो गया, एजुकेशनल कम्युनिटीज़ हो गई, इकोनॉमिक हो गई, पॉलिटिकल सिस्टम्स हो गए, ये सब तमाम तरीके के सिस्टम्स हैं जो कि इंसानों के बनाए हुए ही हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। अब इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि किसी के पास फैमिली नहीं है, कोई अनाथ है, तो उसके पास फैमिली नहीं है, तो उसने बचपन में बहुत अकेलापन उसने देखा होगा और इस वजह से उसके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योरिटी होगी, जो चीज़ बड़े होने के बाद तक रहेगी। तो उसे देख के ये कहा जाएगा कि इसके बचपन का एनवायरनमेंट शायद इसे अच्छा नहीं मिला, इसको फैमिली नहीं मिली। तो इस तरीके से यूज़ होता है इन टर्म्स का। तो ये इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सारे सिस्टम्स हैं जो कि इंसानों के ही बने हुए हैं और हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं, तो अभी तक हमने नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमंस को देखा। अब एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को। अब वो तरीका है ये देखने का कि कौन सी चीज़ लिविंग थिंग्स हैं और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक, बायो मतलब लाइफ, तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें लाइफ हो। इट कंप्राइजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, जैसे कि प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे और एनिमल्स यानी कि जानवर। अब दूसरा जो कंपोनेंट आया वो है एबायोटिक। बायो मतलब लाइफ, एबायोटिक मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स, इट कंप्राइजेज ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि लैंड हो गया, ज़मीन, ये नेचुरल कंपोनेंट है लेकिन साथ ही में
क्या है? नॉन लिविंग। अब चलिए बात करते हैं नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो थे उनको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं थोड़ा डेप्थ में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर अभी मैंने आपको बताया, याद करिए, लिथोस यानी कि पत्थर। तो लिथोस्फीयर यानी कि जहाँ पत्थर मिलते हैं, यानी कि ज़मीन में। अब ज़मीन तो हमारे लिए तो ये ज़मीन है, अर्थ के सेंस में ज़मीन का क्या मतलब? अर्थ के सेंस में ज़मीन का ये मतलब जो आउटर लेयर है अर्थ की, क्योंकि हम आउटर लेयर ऑफ अर्थ में ही कहीं ना कहीं खड़े हैं, तो हमारे लिए ये ज़मीन है इधर, ठीक है। लेकिन अर्थ के सेंस में ये सबसे आउटर लेयर है हम जिसके टच में हैं, इसके अंदर भी कई सारी लेयर्स हैं। तो ये जो है लिथोस्फीयर, ये इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसे कहते हैं क्रस्ट। तो जो लिथोस्फीयर है इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट, कि ये सॉलिड फॉर्म में है पहली बात, क्योंकि अंदर की जो लेयर्स हैं, कुछ ऐसी लेयर्स हैं अर्थ की जो कि मॉल्टन फॉर्म में है, जहाँ मिनरल्स होते हैं वो मॉल्टन फॉर्म में है। तो इस वजह से कहा गया कि ये जो बाहर की लेयर है ये सॉलिड क्रस्ट है, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये क्रस्ट है। और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, कि ये हार्ड है और हमारे अर्थ का सबसे टॉप लेयर है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये बनी है पत्थरों से, चट्टानों से, और इसमें मिनरल्स हैं बहुत सारे, और इट इज़ कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसके सबसे ऊपर एक बहुत पतली सी परत है मिट्टी की। अब मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी बनती है पत्थरों से ही, जब पत्थरों में वेदरिंग इफेक्ट होता है तो धीमे धीमे मिट्टी बनती है। अब लिथोस्फीयर, इट इज़ एन इररेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा, बोथ ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ओशन फ्लोर्स। ये जो है लिथोस्फीयर, मतलब अर्थ का जो सबसे बाहर का जो ये जो सरफेस है, ये इररेगुलर सरफेस है। इररेगुलर सरफेस मतलब कि ये रेगुलर नहीं है, और रेगुलर नहीं इसका मतलब कि ये कहीं कहीं पे अपने फॉर्म्स बदलते रहता है, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं रहता, अपने फॉर्म्स बदलते रहता है। अगर आप ज़मीन में चलते रहिए तो आपको कहीं पे पहाड़ मिल जाएंगे, कहीं पे आपको प्लेट्यूज़ मिल जाएंगे, कहीं पे आपको प्लेन्स मिल जाएंगे, कहीं पे आपको वैलीज़ मिल जाएंगी। तो ये जो ज़मीन की जो सबसे ऊपर वाली जो परत है जिस पे हम चलते हैं, ये बहुत इररेगुलर है। ऐसा नहीं कि बस सीधा सपाट है, इसमें अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स आते रहते हैं। और ये लैंडफॉर्म सिर्फ कॉन्टिनेंट्स में नहीं है, अगर आप समुद्र के नीचे की सतह में चले जाओ वहाँ पर भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, वहाँ पर भी बहुत इररेगुलर है ये टॉप लेयर। इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। ये जो अर्थ की जो सबसे बाहर की जो लेयर है लिथोस्फीयर, इसमें तमाम तरह के जंगल हैं, ग्रासलैंड्स हैं और लैंड्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने के लिए। और इसी लेयर में हम ह्यूमन सेटलमेंट्स करते हैं, यानी कि इसी टॉप लेयर में हम घर बनाते हैं, हम रहते हैं। इट ऑल्सो गिव्स अस मिनरल वेल्थ, जितने भी मिनरल्स हैं ये हमें इसी टॉप लेयर से मिलते हैं। मिनरल्स यानी कि आप चाहे लोहा हो, चाहे एल्युमिनियम हो, ये सब जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हम इनका यूज़ करते हैं, हर चीज़ ये हमें टॉप लेयर से ही मिलता है। अब अगला कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि वो स्फीयर जिसमें पानी हो, ठीक है। हाइड्रो यानी कि पानी। इट इज़ द डोमेन ऑफ वाटर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। मतलब ये जो हाइड्रोस्फीयर है, मतलब वो तमाम चीज़ें जिनसे हमें पानी मिल सकता है, और इसमें वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, जैसे कि ओशंस यानी कि समंदर हो गए, या लेक्स यानी कि झील हो गई, नदियाँ हो गई, तालाब हो गए, ये सब जो तमाम सोर्सेज ऑफ वाटर हैं जिनसे हमें पानी मिल सकता है, ये सब हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। अब जो अगला हिस्सा है वो है एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक थिन लेयर ऑफ एयर है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर से ही हमें हवा मिलती है, जिस हवा से हम सांस लेते हैं। इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। बहुत पतली सी लेयर है हवा की जो अर्थ के चारों तरफ है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो अब अगर आप अर्थ के चारों तरफ ये हवा की एक सतह है, तो हवा तो कहीं पे भी उड़ के चली जाती है। और अगर आप अर्थ के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक बड़े लेवल पे देखें, सोलर सिस्टम के लेवल पे, तो हमारा सन बीच में है और हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। और हमारी अर्थ के तमाम प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अर्थ की। तो जैसे सन बीच में है, हमारी अर्थ इसका चक्कर लगाती है, ठीक। तो ये तो हम एक प्लेन पे देख रहे हैं, लेकिन दरअसल ऐसा इस तरीके से होता है कि सन जो है वो खुद में चल रहा है, वो सन खुद चल रहा है और हमारी अर्थ यूं इसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए हम एक स्पेस में, मतलब अंतरिक्ष में, यूं आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी अर्थ वैसे ही गोल गोल घूम रही है और उसके साथ ही साथ आगे की तरफ भी बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, हमें महसूस नहीं होता है। खैर, तो इतना होने के बाद भी हमारे अर्थ के चारों तरफ ये जो पतली सी लेयर है हवा की, बची कैसे रहती है, उड़ क्यों नहीं जाती, स्पेस में डिफ्यूज़ क्यों नहीं हो जाती? उसका रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हमारी अर्थ जो है वो अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करी जाए, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप हायर क्लासेस में बेहतर ढंग से समझ पाओगे। अभी क्लास सेवेंथ के लेवल पे ग्रेविटी का हम सिंपल से सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेविटी जो है वो ये है कि हमारी जो अर्थ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि मैं अभी ये पेन छोड़ दूँ तो ये नीचे जाके ज़मीन पर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो ये पेन को भी अभी ये अर्थ खींच रही है, मैंने जब तक पकड़ रखा है तब तक ये यहीं पे है, मैं जैसे ही छोड़ दूंगा ये पेन नीचे गिर जाएगा। उसी तरीके से ये चारों तरफ जो हवा की जो लेयर है, इस लेयर को भी हमारी अर्थ खींचती है अपनी तरफ। इसी वजह से ये लेयर कहीं और उड़ के नहीं चला जाता है, वो अर्थ के चारों तरफ ही रहता है, ठीक है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। अब हमारे अर्थ के चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर है, जब सन से रोशनी आती है तो हमारे सूरज से तमाम तरह के रेज आते हैं। कुछ ऐसे रेज हैं जो कि हमें नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, जो कि हमारे लिए थोड़ा नुकसानदेह हैं। तो एटमॉस्फेयर हमें इन हार्मफुल रेज से बचाता है, ठीक है। जो नुकसानदेह हैं जो रेज, उन रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर, और हम तक सिर्फ वही रेज पहुंचती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर बचाता है हमें सूरज की हार्मफुल रेज से, वो रेज जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। और एटमॉस्फेयर, इट इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। अब ये एटमॉस्फेयर बना कैसे है? एटमॉस्फेयर बना है बहुत तमाम तरह की गैसेस से, और डस्ट से, और वाटर वेपर्स से। चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। अब जब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, अब चेंज किस तरीके से होता है, कहीं पे गर्म हवाएं चलती हैं, कहीं सर्दी होती है, कहीं सर्द हवाएं चलती हैं, कहीं लो प्रेशर जोन्स बनते हैं, हाई प्रेशर जोन्स बनते हैं, इस तरीके से कहीं पे ओले पड़ते हैं, कहीं बारिश होती है, कहीं बर्फ़ पड़ती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से फ़र्क पड़ता है क्या? वेदर पे एंड क्लाइमेट पे, यानी कि मौसम पे फ़र्क पड़ता है और जलवायु पे फ़र्क पड़ता है चेंजेस इन एटमॉस्फेयर की वजह से। अब यहाँ पे ये जो दो टर्म आए हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है?
वेदर यानी कि मौसम और क्लाइमेट यानी कि जलवायु, इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? तो अगर हम बात करें मौसम की या वेदर की, तो ये एक बहुत छोटे टाइम गैप का टर्म है। जैसे अभी के टाइम में यहाँ गर्मी हो रही है, ठीक है, तो द वेदर इज़ वार्म, मतलब मौसम अभी गर्म है। कुछ दिन के बाद बारिश होने लग जाएगी तो बारिश का मौसम आ जाएगा, कुछ दिन के बाद फिर सर्दी आ जाएगी तो सर्दी का मौसम आ जाएगा। तो जो वेदर है ये डे टू डे बदलता है और मंथ टू मंथ बदलता है, ठीक है, कुछ महीनों में बदल जाएगा, कुछ दिनों में बदल जाएगा। ये मौसम है, ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है, टाइम टाइम पे बदलता है, इसे कहते हैं वेदर यानी कि मौसम। दूसरी तरफ अगर आप बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट एक बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ किया जाने वाला टर्म है, कि मतलब सालों सालों के दौरान, मतलब बहुत सालों के दौरान जो कि चेंजेस आते हैं मौसम में, उसे कहा जाता है क्लाइमेट। जैसे कि किसी रेगिस्तान के बारे में बात करी जाएगी कि यहाँ का मौसम कैसा रहता है, तो मौसम गर्म रहता है, वहाँ पे क्लाइमेट यूज़ किया जाएगा, द क्लाइमेट हेयर इज़ वार्म, कि मतलब लंबे टाइम तक वहाँ उसी टाइप का मौसम रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है वेदर में और क्लाइमेट में। अब जो अगला टर्म आता है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायो मतलब लाइफ, तो बायोस्फीयर यानी कि वो तमाम चीज़ें जिनमें लाइफ है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, पेड़ पौधे और जानवर, इनमें जो लाइफ होती है, दे टुगेदर मेक अप द बायोस्फीयर, ठीक है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, यानी कि अर्थ के वो हिस्से जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर, मतलब ज़मीन, पानी और हवा एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं इस तरीके से कि वहाँ लाइफ सपोर्ट कर सके, लाइफ सपोर्ट कर सके मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे भी उग सके और वहाँ जानवर भी रह सके, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे इस तरीके की ज़मीन, पानी और हवा का इंटरैक्शन हो कि वहाँ पेड़ पौधे और जानवर रह सकें, लाइफ पॉसिबल हो सके, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। अब अगला टॉपिक आता है इकोसिस्टम। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इंटरमीडिएट सराउंडिंग्स, कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं और जितने भी इंसान हैं, ये ज़िंदा रहने के लिए अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, उन्हें खाना चाहिए होगा तो अपने आसपास से ही खाना ढूंढेंगे, पानी चाहिए होगा अपने आसपास से ही पानी उनको मिलेगा, और हवा चाहिए होगी तो अपने आसपास से ही मिलेगी। तो वो ज़िंदा रहने के लिए अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पे ही डिपेंड करते हैं। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड एयर, कि जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये एक दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं खाने के लिए भी और हवा के लिए भी। दिस रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये जो रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स के बीच में और उनके सराउंडिंग्स के बीच में, इसे कहते हैं एक इकोसिस्टम। और ये जो इकोसिस्टम है, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम फॉर लार्ज रेन फॉरेस्ट, जो कि बड़े बड़े रेन फॉरेस्ट होते हैं, या ग्रासलैंड्स होते हैं, या डेजर्ट्स होते हैं, या माउंटेन्स होते हैं, या रिवर्स होते हैं, या फिर एक छोटा सा तालाब ही क्यों ना हो, इन सब का अपना एक इकोसिस्टम हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आपके दिमाग में सवाल आए कि तमाम पेड़ पौधे, जानवर, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड कैसे करते हैं, तो मैं आपको ये समझाता हूँ। तो अगर बात करें प्लांट्स और एनिमल्स की, तो सबसे पहले ज़िंदा रहने के लिए जो सबसे ख़ास चीज़ चाहिए वो है हवा, क्योंकि ये अगर हमें नहीं मिले तो हम थोड़ी ही देर में मर जाएंगे। चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, कोई भी चीज़ ज़िंदा है उसे सबसे पहले हवा चाहिए। तो अगर प्लांट्स की बात करें, तो जब प्लांट्स सांस लेते हैं तो दरअसल क्या होता है, ये जो हवा है, इस हवा में तमाम तरह की गैसेस हैं, ठीक है। 72% करीब करीब नाइट्रोजन है, 20% करीब करीब ऑक्सीजन है, और 0.3% करीब करीब कार्बन डाइऑक्साइड है।
तो जो ये पेड़ पौधे हैं, जब ये सांस लेते हैं तो ये करते क्या हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो इनको सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये छोड़ते क्या हैं, ऑक्सीजन मतलब O2, ठीक। और जो दूसरी तरफ अगर आप ये जानवरों की बात करें या इंसानों की बात करें, तो ये जब सांस लेते हैं तो इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ये क्या छोड़ते हैं ऑक्सीजन लेने के बाद, CO2। अब आप देख रहे होंगे इनको जो चाहिए वो ये रिलीज़ करते हैं और इनको जो चाहिए वो रिलीज़ करते हैं, तो हवा के लिए ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ऑक्सीजन जो जानवरों को चाहिए वो ऑक्सीजन बनाते हैं पेड़, और पेड़ों को जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो बनाते हैं जानवर। तो हवा के सेंस में तो दोनों एक दूसरे पे पूरी तरीके से इंटरडिपेंडेंट हैं, चाहे पेड़ हों चाहे जानवर हों। अब दूसरी चीज़ आई खाने के लिए। अब पेड़ पौधे की बात करी जाए तो वो खाना बनाने के लिए अपने अंदर, उन्हें पहली बात तो सनलाइट चाहिए, सनलाइट यानी कि धूप, और इसके बाद उन्हें चाहिए सॉइल यानी कि मिट्टी। मिट्टी और धूप से पेड़ अपना खाना बना लेते हैं। उन्हें खाना बनाने के लिए डायरेक्टली देखा जाए तो एनिमल्स पे डिपेंड नहीं है, जिस तरीके से हवा पे के लिए वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, खाने के लिए नहीं है। तो इस वजह से खाने के लिहाज से देखा जाए तो पेड़ पौधों को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, यानी कि ये खाना बनाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स। अब जानवर की बात अगर करी जाए तो जानवर क्या खाते हैं, या हम इंसान भी, हम ज़्यादातर क्या खाते हैं, ज़्यादातर हम पेड़ पौधों से ही खाना खाते हैं, और या तो फिर दूसरे जानवरों से खाते हैं, ठीक है। तो जानवर दो तरीके के हैं। सबसे पहले जो तरीके के हैं वो है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, अब ये वर्ड अगेन दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है हर्बी, हर्ब मतलब पेड़ पौधे, एंड वोरस, वोरस यानी कि खाने वाला, ठीक है। वोरो मतलब होता है खाना, तो हर्बीवोरस यानी कि जो पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक। तो हर्बीवोरस पेड़ पौधों से खाते हैं और तब उन्हें एनर्जी मिलती है ज़िंदा रहने के लिए। और फिर हर्बीवोरस जो जानवर हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स। जानवर खुद से अपना खाना नहीं बना सकते, इन्हें पेड़ों को खाना पड़ता है, तो इन्हें क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब हर्बीवोरस जो हैं इन जानवरों को खाते हैं कार्निवोरस। कार्नी मतलब होता है फ्लैश, मांस, एंड वोरस यानी कि खाने वाला, तो कार्निवोरस यानी कि मांस खाने वाला। तो हर्बीवोरस जो जानवर हैं उन्हें खाते हैं कार्निवोरस, इस तरीके से उन्हें एनर्जी मिलती है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो बेसिकली एनर्जी का सोर्स पेड़ पौधे ही हैं, तो इन्हें कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। जो हर्बीवोरस हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि अब पेड़ पौधों की एनर्जी यूज़ करी इन हर्बीवोरस जानवरों ने, और इन हर्बीवोरस जानवरों को खाते हैं कार्निवोरस, तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र हुई कार्निवोरस जानवरों पे, और इस वजह से इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और ये जो पूरा सिस्टम है इसे फूड चेन भी कहते हैं। अब जैसे फूड चेन का आपको एक एग्जांपल दूं, फूड चेन आपके ये सिलेबस में है नहीं, इस वजह से मैंने नोट्स में इसे शामिल नहीं किया है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ ये चीज़ कि पेड़ पौधों को खाते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट को खाते हैं मेढक, मेढक को खाते हैं फिर सांप, सांप को खाते हैं फिर जैसे चील। तो ये एक फूड चेन बनी कि एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती जा रही है, और जब ये जानवर मरते हैं तो फाइनली फिर जाके मिल जाते हैं सॉइल में, और इस सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे जो शरीर है, हमारा शरीर किन चीज़ों से बना है, 72% वाटर, वाटर यानी कि H2O, इसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, जिंक, ये तमाम चीज़ों से बना है हमारा शरीर। जब हमारा शरीर ज़मीन में जाएगा तो वो तमाम चीज़ें जो हमारे शरीर में हैं वो फिर से ज़मीन में मिल जाएंगी। और ये तमाम चीज़ें हमारे शरीर में आई कैसे थी, ये आई थी ज़मीन से ही, ज़मीन से पेड़ों में आई,
जितना भी कार्बन नाइट्रोजन ये सब जितने हमारे शरीर में है ये पेड़ों में आए, पेड़ों को हमने खाया तो हमारा शरीर बना, हम वापस ज़मीन में जाएंगे तो सारे एलिमेंट्स फिर से ज़मीन में जाएंगे, तो हम अल्टीमेटली उसी ज़मीन को और ज़्यादा रिच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे भी एक तरीके से पेड़ों की फिर मदद हो रही है। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम एक दूसरे पे डिपेंड करता है, पेड़ पौधों का, जानवरों का। और अगर हर्बीवोरस जानवरों की अगर बात करें तो हर्बीवोरस जानवर जैसे कि बकरियां हो गई, भेड़ हो गए और गाय भैंस हो गई, ये सब हर्बीवोरस जानवर हैं, ये पेड़ पौधे खाते हैं हमेशा। दूसरी तरफ कार्निवोरस जानवरों की अगर आप बात करें तो जैसे शेर हो गए, चीता हो गए, ये सब कार्निवोरस जानवर हैं, ये हमेशा मांस खाते हैं। और अगर कार्निवोरस और हर्बीवोरस की बात हो ही रही है अगर, तो एक और तरह का टर्म है ओमनीवोरस। ओमनी यानी कि सब कुछ, वोरस यानी कि खाने वाला, तो ओमनीवोरस यानी कि सब कुछ खाने वाला। अब सब कुछ खाने वाला का क्या मतलब, कि वो पेड़ पौधे भी खाएगा अगर उसको मिला तो, और अगर उसको मिला तो वो फ्लैश भी खाएगा। तो वो ना पूरी तरीके से हर्बीवोरस है ना पूरी तरीके से कार्निवोरस, तो ओमनीवोरस होते हैं। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब अगला टॉपिक है ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब इंसानों का बनाया हुआ एनवायरनमेंट। ह्यूमंस हैव ऑलवेज इंटरैक्टेड, अडैप्टेड एंड मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट, कि इंसानों ने हमेशा एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट किया है। और इसके अलावा क्या किया है, अडैप्ट किया है। अडैप्ट यानी कि जो हालात हैं उन हालात के मुताबिक खुद में एडजस्ट करना, ठीक है, अडैप्ट किया है और मॉडिफाई किया है एनवायरनमेंट को। अब चलिए आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इंटरैक्ट करने का क्या मतलब, इंटरैक्ट करने का मतलब कि जैसे गर्मी हो रही है, आपको महसूस हो रहा है कि गर्मी हो रही है, मतलब आप इंटरैक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट आपको इफ़ेक्ट कर रहा है तो आप इंटरैक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट से, आपको गर्मी लग रही है। आप अडैप्ट कर रहे हो, अडैप्ट कर रहे हो कि अब मतलब अब गर्मी है कुछ कर नहीं सकते तो चलो अडैप्ट करते हैं, एडजस्ट किया जाए। तो थोड़े बहुत आप तरीके निकाल रहे हो कि चलो ठीक, आप पानी का छिड़काव कर दे रहे हो और इस तरीके से घर बना रहे हो मिट्टी का कि आप अडैप्ट कर सको उसके लिए। अब मॉडिफाई कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई तो आपने एसी बना दिया, अब भले लाख गर्मी रहे आपके कमरे में ठंडक है, आप फील कर नहीं कर पा रहे हो उस गर्मी को जो कि बाहर है। तो ये एक एग्जांपल था। तो इंसानों ने हमेशा से अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट किया है, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अडैप्ट किया है और उस एनवायरनमेंट को अपने मुताबिक मॉडिफाई भी किया है। अर्ली ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स, जो सबसे पहले जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर यानी कि हंटर, वो जानवरों को मारते थे, और गैदरर यानी कि इकट्ठा करना। इकट्ठा क्या करते थे, पेड़ पौधों से खाने पीने की चीज़ें, किसी पेड़ की जड़ ले ली, किसी पेड़ का फल ले लिया, जो भी चीज़ मिल सकती हैं और खाने लायक हैं। तो जो अर्ली ह्यूमंस थे जब खेती नहीं करते थे वो हंटर गैदरर्स थे, एंड दे अडैप्टेड टू द एनवायरनमेंट एंड फुलफिल्ड देयर नीड्स। वो एनवायरनमेंट के साथ साथ अडैप्ट करते थे और अपनी जितनी भी नीड्स हैं उसको फुलफिल करते थे, यानी कि पूरा करते थे। और हंटर गैदरर्स अपने एनवायरनमेंट से अडैप्ट कैसे करते थे, वो उसी लिहाज से, अब जहाँ पे मान लीजिए सर्दी है तो वो फ़र वाले कपड़े बनाएंगे, वहाँ पे जंगली जानवरों का फ़र निकाल के उससे कपड़े बनाएंगे, और इसके अलावा केव्स में रहेंगे, गुफाओं में। इस तरीके से वो हमेशा अडैप्ट करते आए एनवायरनमेंट से। लेटर ऑन दे स्टार्टेड टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट बाय ग्रोइंग क्रॉप्स। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा उन्होंने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने क्रॉप्स उगाने शुरू किए, खेती करना शुरू किया। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स यानी कि उन्होंने जानवर पालने शुरू किए, घरेलू बना लिया जानवरों को। लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ, पहले के टाइम में जब अर्ली ह्यूमंस थे वो खेती नहीं करते थे, उनको खेती उस टाइम पे ये खेती करने वाली चीज़ें ज़मीन में उगती भी नहीं थी और उनको पता भी नहीं था। करीब 12,000 साल पहले अर्थ के क्लाइमेट में ऐसा चेंज आया
कि ये खेती करने वाले ग्रेन्स उगने लग गए और इंसान को पता चला। तो करीब 12,000 साल पहले इंसान ने खेती करना शुरू किया, और जब खेती करना शुरू किया तब से इंसानों में सिविलाइजेशन आया। जब खेती करना शुरू किया इंसान ने, उससे पहले इंसान क्या था? हंटर गैदरर, जानवरों को मार के खाना, पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करना। तो वो उस टाइम पे इंसान जगह जगह पे बदलते रहता था अपनी जगह, कोई परमानेंट फिक्स्ड रहने की जगह नहीं थी उसकी, वो जगह बदलते रहता था। जब इंसानों ने खेती करना शुरू किया तो एक जगह पे रहना शुरू किया। जब एक जगह पे रहना शुरू किया तब छोटे छोटे गांव बने, उन गांवों से फिर आगे सिस्टम डेवलप होते गए, कॉम्प्लिकेटेड होते गए, कॉम्प्लेक्स होते गए। गांव बने छोटे छोटे अलग अलग, फिर वो गांव हुए तो फिर छोटे छोटे किंगडम्स बने, फिर सिविलाइजेशन बनी, फिर तमाम तरह के आर्ट फॉर्म्स आए, वहां बिजनेस फॉर्म्स आए। अब तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ी। देन केम सरप्लस फूड, बार्टर सिस्टम, ट्रेड, कॉमर्स, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। जब खेती करना लोगों ने शुरू किया तो अब लोगों के पास खाने के लिए खाना था, ठीक, अनाज था जिसको वो स्टोर कर सकते थे आगे के वक्त के लिए। तो ये सरप्लस फूड आया इंसानों के पास, सरप्लस मतलब जितनी उनकी फ़िलहाल की ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो उस चीज़ को वो स्टोर करके रख सकते हैं। और जब वो स्टोर करके रख सकते हैं तो अब यहाँ पे राइज हुआ ऐसे लोगों का, जिन लोगों को जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे वो मेहनत कर रहे हैं, इधर उधर करते रहें, खेतों में दौड़ते रहें, जानवरों को मारते रहें। जब लोगों के पास टाइम आया जहाँ पे, तो फिर नए नए सिस्टम्स बनने लगे, तब लोगों के पास वक्त आया कि वो कुछ और भी कर सकें, ठीक है। तो बाल्टर सिस्टम आया, बाल्टर सिस्टम यानी कि जब उस टाइम पे ये पैसे रुपए नहीं चलते थे तो बाल्टर सिस्टम चलता था कि एक सामान आप किसी और को दो और दूसरे से वो सामान लो, ठीक है, बाल्टर सिस्टम। जैसे कि आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, किसी आदमी ने गेहूँ उगाया तो उसके पास गेहूँ है। अब किसी आदमी ने चावल उगाया तो वो पहला आदमी उसको गेहूँ दे देगा और दूसरे आदमी से चावल ले लेगा, तो अब दोनों के पास वो चीज़ें हो गई जो उनको चाहिए, ठीक। किसी को सेब चाहिए तो वो गेहूं दे देगा सेब वाले को और उससे सेब ले लेगा। तो ये था बाल्टर सिस्टम, मतलब बिना पैसे रुपए के लेन देन होना। तो जब सेटल्ड लाइफ आई इंसानों की तो उसके बाद सरप्लस फूड हुआ, फिर बाल्टर सिस्टम आया, फिर ट्रेड होने लग गया, पैसे रुपए का काम होने लग गया, पैसे रुपए का काम होने लग गया। उसके बाद फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन अभी के टाइम में चल रहा है। और दुनिया देखिए किस तरीके से बदलती जा रही है इतनी तेज़ी से। अभी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन तो अभी शुरू हुआ है थोड़े टाइम के पहले, सोचिए ये किस हद तक जाएगा। वो तो आज के लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि किस हद तक जाएगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो इंसानों ने हमेशा से एनवायरनमेंट को अडैप्ट किया है, मॉडिफाई किया है और करते चले। अ बैलेंस इज नीडेड बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। कि नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है इसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या था, याद करिए, जो इंसान रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, शहर बनाते हैं, ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट है। और ह्यूमन एनवायरनमेंट बढ़ता जा रहा है, और ह्यूमन एनवायरनमेंट जब बढ़ेगा तो नेचुरल एनवायरनमेंट कम होगा। और इस चीज़ के बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ते हैं पूरे अर्थ को, हम इंक्लूडिंग हम भी, क्योंकि हम भी इसी अर्थ का हिस्सा हैं। आप क्लाइमेट चेंज ही देख लीजिए, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट की वजह से ही इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। कि इंसानों को ये सीखना चाहिए कि वो जी सकें और यूज़ कर सकें इस एनवायरनमेंट का एक हार्मोनियस वे में। हार्मोनियस वे आया है ये वर्ड हारमोनी से, हारमोनी मतलब सामंजस्य में, एक दूसरे से मिलजुल कर, हारमोनी में। तो इंसानों को डेवलपमेंट करना चाहिए लेकिन एक बैलेंस बना के नेचर के साथ, कि नेचर को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें।
सो दैट ह्यूमंस को डेवलप विदाउट डिस्ट्रॉइंग नेचर, इस वजह से कि ह्यूमंस डेवलप कर सकें नेचर को डिस्ट्रॉय किए बिना. एज अवर ओन एनवायरनमेंट इवेंचुअली डिपेंड्स ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट हो तो शहर बन जाए, रोड बन जाए, बिल्डिंग्स बन जाए, सब कुछ बन जाए. इसके लिए ज़मीन चाहिए होगी, जंगल काटने पड़ेंगे, न जाने कितने जानवर मरेंगे. तो हम एक बैलेंस बना के चलें, क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम भले ही कुछ भी कर लें, हम कितना भी डेवलप हो जाएं, एक चीज़ हकीकत है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट डिपेंड करता है नेचुरल एनवायरनमेंट पे ही. हमने बना तो लिए शहर, लेकिन जो हवा है जिससे हम सांस ले रहे हैं वो पोल्यूटेड होती जा रही है. ठीक है, इसका नुकसान किसे हो रहा है? हम ही को हो रहा है. हमें पीने के लिए पानी चाहिए, हम एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हुए जा रहे हैं शहरों में, तो उन शहरों का जो वाटर इंडेक्स है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो गिरता चला जा रहा है नीचे की तरफ. तो ध्यान में रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें. 5 जून एवरी ईयर इज़ ऑब्जर्व एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है. ये एक दिन मुकर्रर कर दिया गया है एनवायरनमेंट के नाम पे. उम्मीद है शायद इससे कुछ बात बन सके. तो खैर, ये था 7th क्लास की जियोग्राफी का पहला चैप्टर. उम्मीद है समझ में आया होगा आपको और इंटरेस्टिंग लगा होगा. थैंक यू.